बैक टू माय चैनल जानसुदा फूड ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजमा की रेसिपी लेके आई हूँ। जिस तरीके से मैं अपने घर में राजमा बनाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब राजमा ले लिया है क्योंकि कुछ गेस्ट भी आएंगे तो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है इसमें और एक गिलास पानी डाल लेंगे और इसे चार सीटी आने तक उबालेंगे। यहाँ पर मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया है। अब हम चलते हैं दूसरी तैयारी पर, चॉपिंग पर, जो इसमें राजमे में मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे राजमे के लिए ये वाली स्लाइस वाली प्याज चॉप कर लिया गाइस। ये देखिए, अब इन्हें रोस्टेड कर लेंगे। जब तक ये रोस्ट होती है गाइस, मैं टमाटर पीस लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो रही है हमारी प्याज, तो हमें थोड़ा और कर रहा है गोल्डन गाइस। इतने मेरी प्याज रोस्ट हो रही है तो मैं ये अदरक लहसुन है इसमें और मिर्च है, इनका पेस्ट बना दूंगी। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है गाइस, हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए ठंडी करेंगे इन्हें। देखिए मैंने इस जार में प्याज को निकाल लिया और ठंडा कर लिया है, इसे हम पीस लेंगे। मैंने प्याज का फाइन पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे राजमे में, तेल डाल देंगे हल्का सा, ये देखिए, और गरम होने देंगे। प्याज डालेंगे इसी भी जो हमने ग्राइंड कर ली थी, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिक्स कर लेंगे गाइस इसको। देखिए भूनेंगे इसे जब तक कि इसमें से तेल ना निकल जाए। इस जार में थोड़ी सी प्याज थी तो मैंने ये वाला पानी भी धो के डाल दिया। ये इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने राजमे में भी डाला उबालते वक्त। हींग डाल देंगे, ये देखिए, ढक देंगे इसे 2 मिनट के लिए। थोड़ी सी दही भी ऐड करेंगे, मिला लेंगे इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। मसाला हमारा भुन गया, ये देखिए तेल निकल गया है बराबर साइड से। इसमें हम राजमा ऐड करेंगे गाइस, ये देखिए कितना अच्छा पका है। देखिए कलर डालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो प्याज भून के डाली है ना उससे इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है गाइस। और ये देखिए मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिया है। पांच मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए गाइस मेरा राजमा देखिए कितना परफेक्ट बना है। आप इस रेसिपी को घर बनाकर देखिए और मेहमान भी बोलेंगे कि क्या बनाया है। ये मैंने इसमें मलाई डाल दी है, देखिए देखिए कितना अच्छा बना है। हरा धनिया लगा देंगे गाइस, देखिए हरा धनिया लगा दिया मैंने इसमें। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा बना है। मैंने यहाँ पे पूरी भी बना ली थी, बच्चे बोलने लगे थे हम राजमा के साथ पूरी खाएंगे, थोड़े से चावल छीन के रखे हुए थे तो बच्चों ने खा लिए थे, तो मैंने यहाँ पे पूरी बना ली है। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे पूरी बना ली है डिनर के लिए। देखिए यहाँ पे मैं दूसरी पूरी भी डाल रही हूँ, निकाल लेते गाइस।
निकाल लेंगे इसको, प्लेट में रख देंगे। गाइस ये देखिए, देखिए ये भी बन गई है मेरी पूरी, इसे भी निकाल लेंगे हम प्लेट में। ये देखिए इसे भी निकाल लिया मैंने। ये देखिए गाइस मेरी डिनर की प्लेट तैयार हो गई है, और राजमा बनाया, पूरी बना दी थी मैंने, क्योंकि चावल मैंने दिन में ही बनाए थे तो मैंने अब बनाए नहीं, तो मैंने थोड़ी सी पूरी बना दी थी राजमा के साथ। आप इसके साथ चपाती भी खा सकते हैं, नान भी खा सकते हैं, रुमाली रोटी भी खा सकते हैं, जो आपका मन करता है वो खा सकते हैं सब्जी के साथ गाइस। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस अच्छे अच्छे। और तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ।